इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार से है। बिहार सरकार से पशुपति कुमार पारस को झटका लगा के, पटना में पशुपति पारस को खाली करना पड़ेगा बंगला। ये बड़ी जानकारी 7 दिन के अंदर कहा जा रहा है, पशुपति पारस को अपना बंगला छोड़ना पड़ेगा। बंगला नहीं छोड़ने पर जबरन खाली करवाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने अल्टीमेटम उनको दे दिया है और पटना के एक व्हीलर रोड पर उनका सरकारी बंगला के, अब उनको ये कहा जा रहा है कि सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, जिनको बड़ा झटका लगता हुआ, ये बड़ी खबर। वन व्हीलर रोड आवास है जो कि राष्ट्रीय लोजपा को आवंटित था और अब इसे खाली कराने का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया गया है। कनीय अभियंता है भवन निर्माण विभाग के, आप लोगों ने नोटिस चिपकाया? नोटिस हट गया यहाँ से? हाँ, तो उनका स्टाफ है, स्टाफ हटा दिए। क्या था नोटिस में? एक सप्ताह के अंतर्गत आवास को खाली कर देना है, नहीं तो आपको बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा, यही नोटिस थी। तो इन लोगों ने कहा कि हम कोर्ट गए थे, कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया है, सूचना दिए हैं, नोटिस कोर्ट में जो सूचना दिए हैं उस सब जगह वो सूचना भेजे हैं, हम लोग को भी मिला था, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं है। तो सरकार के निर्देश के आलोक में इनको खाली करना है, नहीं खाली किया जाएगा तो एक सप्ताह के अधीन हम लोग मौका दिए हैं, एक सप्ताह में रिक्त कर दिया, नहीं तो बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि क्या नोटिस जो आपने चिपकाया वो हटा दिया गया, तो आपने क्या जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको, उनको भी नोटिस भेजा है? नोटिस तो हम लोग देने के लिए गए थे, नोटिस लिए नहीं, नोटिस नहीं लिए तो हम लोग चिपका दिए, सूचना कर दिए। नोटिस नहीं लिए हैं तो नोटिस चिपका दिए हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोजपा का जो कार्यालय है यहीं पर नोटिस चिपकाया गया था, जो कनीय अभियंता हैं भवन निर्माण विभाग के, उन्होंने कहा कि नोटिस को उनके लोगों ने फाड़ दिया है। हालांकि अब जो नोटिस आया है उस नोटिस के तहत अगले एक हफ्ते में जो राष्ट्रीय लोजपा का ये दफ्तर है इसे खाली कर दिया है, अगर खाली नहीं किया जाता तो फिर भवन निर्माण विभाग इसे बलपूर्वक खाली करवाएगा। ABP News, आपको रखे आगे।